लोग कहते हैं कि आपकी किस्मत आपके हाथ की रेखाओं से तय होती है, लेकिन अगर आपको लगा हाथ ही किसी और का हो तो? मेरे पास कुछ नहीं था, उनकी ही देन है कि आज मेरे पास एक हाथ है और इस हाथ से कुछ नहीं किया। ऐसे ही जैसे जीवन नॉर्मल जाता है ऐसे किया तो कुछ मतलब नहीं निकलेगा इसका, कि जीवन तो नॉर्मल बगैर हाथ के भी निकल सकता था। यदि हाथ आया है तो कुछ तो करना है, कुछ बड़ा करना है। अब राहुल पेन पकड़ सकते हैं और आराम से लिख भी सकते हैं। उनके विचार और शब्द कागज पर तैरते हैं। राहुल का 2021 में हाथ का ट्रांसप्लांट हुआ। अब एक साल बाद वो चीजों को महसूस कर सकते हैं और उनका हाथ धीरे धीरे बेहतर काम कर रहा है। इस नए हाथ ने 22 साल के राहुल को नई उम्मीदें दी हैं। अब राहुल के शरीर ने इस हाथ को स्वीकार कर लिया है। सर्जरी के बाद से ना मुझे हमेशा ऐसा लगा है कि ये सेम मेरा ही हाथ है। कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ है कि ये दूसरे का हाथ है और मुझे लगाया गया है। बस ये पता मुझे है कि ये दूसरे का हाथ है, बट मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ है। और एक्चुअली जब से सेंसेशन आया है तब से तो और एकदम क्लियर हो गया कि ये मेरा ही हाथ है। आप राहुल के हाथ और ट्रांसप्लांट किए गए हिस्से में फर्क देख सकते हैं। सर्जरी से जोड़ा गया ये हाथ एक लड़की का है। आज राहुल KEM अस्पताल के ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिपार्टमेंट में आए हैं। यहाँ हर रोज वो 2 घंटे अलग अलग चीजों से प्रैक्टिस करते हैं। ये एक्सरसाइज उनके लिए महत्वपूर्ण है। राहुल ने दोनों हाथ गवा दिए थे। सर्जरी से कलाई के थोड़ा ऊपर एक डोनर से मिला हाथ जोड़ा गया। सर्जरी हुआ उसके बाद जब हाथ आया, मूवमेंट आया, जब पहली बार मैंने खाना खाया स्पून से, तब मुझे लगा इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि हाँ अब मैं कुछ कर सकता। 2019 में काम के दौरान एक हादसे में राहुल ने दोनों हाथ गवा दिए थे। अगले 1.5 साल तक वो दूसरों पर आश्रित थे। उन्होंने हाथ के ट्रांसप्लांट के लिए मुंबई के KEM अस्पताल में रजिस्ट्रेशन कराया। 5-6 महीने बाद उन्हें एक डोनर हाथ मिला, लेकिन तब तक उनकी उम्मीदें टूट चुकी थीं। वो आगे जीना नहीं चाहते थे, लेकिन अब वो खुश हैं और संतुष्ट भी हैं कि कम से कम उनका एक हाथ तो है। सर एक तो एक खुशी हो रही थी कि इतने साल के बाद फिर से हाथ लगने जा रहा है और वो हाथ आएगा सेम इंसानों के जैसा रहेगा, इंसान के जैसे वर्क करेगा, फीलिंग वैसे ही रहेंगी। ये बहुत खुशी हो रही थी। एक्चुअली साथ में ये डर भी लग रहा था कि इतना बड़ा सर्जरी है, कैसे होगा, कितना पेन होगा, कैसे क्या होगा, कितना टाइम लगेगा, ये सब थोड़ा डर लग रहा था। राहुल अपने भाई के परिवार के साथ मुंबई में किराए के घर में रहते हैं। डॉक्टर विनीता पुरी मुंबई के KEM अस्पताल के प्लास्टिक सर्जरी विभाग की प्रमुख हैं। उन्होंने अपनी टीम के साथ राहुल के हाथ की सर्जरी की। वो कहती हैं राहुल अब पूरी तरह आत्मनिर्भर हैं। उनके हाथ में अब सेंसेशन महसूस होता है और वो ठीक से कोई चीज पकड़ भी सकते हैं। बहुत ही मुश्किल किस्म की सर्जरी है, क्योंकि यहाँ पे जो आर्टरीज और वेन्स और नसें जो हम जोड़ते हैं ये बहुत फाइन, बहुत बहुत पतली होती हैं और इन्हें जोड़ के उसके बाद इसे इसमें खून जाना होता है। द नेक्स्ट डिफ़िकल्टी फेज़ वो है कि आपके अभी जो नर्व्स कहते हैं वो अब नर्व्स ग्रो होंगी और जब वो नर्व्स उस हाथ के अंदर जाएंगी और वो सेंसेशंस देने के लिए उसे ग्रो होना पड़ता है। विशेषज्ञों के मुताबिक ऑर्गन ट्रांसप्लांट और हाथ के ट्रांसप्लांट में फर्क है। हाथ का ट्रांसप्लांट एक कंपोजिट सर्जरी है जिसमें अलग अलग तरह के टिश्यू शामिल होते हैं। इसमें चमड़ी, हड्डी और नसें भी शामिल होती हैं। मुंबई के रीजनल ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन सेंटर के मुताबिक 2020 में दोनों हाथों के ट्रांसप्लांट की एक सर्जरी हुई, 2021 में दोनों हाथों के ट्रांसप्लांट की 2 सर्जरी और एक हाथ के ट्रांसप्लांट की 1 सर्जरी हुई। 2022 में अब तक दोनों हाथों के ट्रांसप्लांट की 2 सर्जरी हो चुकी हैं। राहुल, जिनकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं और जो जीना नहीं चाहते थे, वो अब अपने घर लौटने की तैयारी में हैं। वो लोगों की मदद करना चाहते हैं, ठीक उस लड़की के परिजनों की तरह जिन्होंने बेटी के निधन के बाद राहुल को हाथ दान किया।